हेलो जी, सत श्री अकाल जी। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वन पॉट रेसिपी, यानी कि एक ही बर्तन में सब कुछ डाला और हमारा खाना तैयार। ज्यादा देर वेट ना करते हुए चलते हैं अपनी रेसिपी की ओर, आओ चले देखें। अच्छा जी, एक बात और बताऊंगी कि मैंने यहाँ पर एक कटोरी चावल जो है ये वाला मैंने भिगो के रख लिया है, तो मीन्स ये रेसिपी शुरू करने से पहले आप इसे भिगो लीजिए 10-15 मिनट के लिए। मैंने यहाँ पे एक हांडी टाइप पॉट ले लिया है मीन्स, और अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी खुला बड़ा बर्तन ले लीजिए जिसमें आप ढक के बना सके। तो इसमें मैंने डाल दिया है तेल, तेल हो गया गरम, और अब मैं इसमें डालने लगी हूँ जिंजर गार्लिक चॉप करके अच्छी तरह, अदरक लहसुन को जो मैंने अच्छी तरह चॉप कर ली है। हम अदरक लहसुन को हम हल्का सा भून लेंगे, हमें इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना ताकि इसका फ्लेवर रहे, इसलिए हमें इसे लाइट ब्राउन करेंगे। अदरक लहसुन जो हमारा लाइट ब्राउन हो गया है, मैंने यहाँ पे एक मशरूम और एक गाजर जिसे मैंने धो के रख लिया है ये डाल लीजिए इसके साथ ही, अदरक लहसुन के साथ, और इसे भी अच्छी तरह आप मिक्स कर लीजिए। ये हमारा मशरूम को हमने 2 मिनट के लिए सॉटे कर लिया, जो फ्लेम है हम उसको हाई पे रखेंगे, गैस पर हम हाई पे रखेंगे। और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी बंद गोभी चॉप कर ली हुई, इसी के साथ इसे भी आप अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। और साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से पालक के पत्ते रफली चॉप करके, और साथ में मैं इसके डाल रही हूँ, ये मैंने आपको दिखा देती हूँ, मैंने यहाँ पे ये लाल पीली और हरी शिमला मिर्च और एक हरा प्याज काट के रखा है, वो भी मैं इसके साथ ही डाल दूँगी। सारा इसी में डाल दूँगी इकट्ठा, और इसे भी अच्छी तरह हम चार से पाँच मिनट के लिए गैस पे सॉटे कर लेंगे। इसे अच्छी तरह आप मिक्स कर लीजिए। साथ में मैं डाल रही हूँ इसमें 2 साबुत मिर्ची, और ये ऑप्शनल है, आप चाहे इसको स्किप भी कर सकते हैं, और थोड़ा सा नमक, नमक ज़्यादा नहीं डालूँगी अभी, थोड़ा सा ही डालूँगी, और इसे अच्छी तरह आप मिक्स कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। अच्छा, अब साथ में मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी बीन्स जो मैं डालना भूल गई थी, वो भी मैंने ऐड कर दी है, इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फ्लेम जो है वो आप हाई पे रखिएगा। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी स्वीट चिली सॉस, क्योंकि अगर मैं सिंपल से चावल बनाऊंगी तो ये पुलाव स्टाइल हो जाएंगे, इसको थोड़ा फैंसी कर देते हैं। और साथ में डालूंगी रेड चिली सॉस, इसलिए हमने पहले नमक थोड़ा कम डाला था, थोड़ा सा तरियाकी सॉस, और सबसे मेन हमारी मशरूम सॉस। अगर ये नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं, अगर है तो ज़रूर डालिएगा। और इसमें ऑलरेडी बहुत नमक होता है तो इसलिए हम ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे। और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी सोया सॉस, बहुत थोड़ी सी, और साथ में ग्रीन चिली सॉस, जौन जौन सी आपके पास सॉसेज है ना आप डाल लीजिए इसमें, ये बहुत यम बनेगा। थोड़ी सी ग्रीन चिली सॉस डाली मैंने, और साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा विनेगर, और साथ में मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी डार्क सोया सॉस। आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना सुंदर आया, ये एज इट इज बहुत अच्छी लग रही है, और खुशबू भी बड़ी जबरदस्त आ रही है। अब हम इसमें डालेंगे, अब इसमें मैं डाल रही हूँ पानी, हमने एक कटोरी चावल लिया था उसके नाप से मैंने 1.5 कटोरी पानी ले लिया है, और वो मैंने इसमें डाल दिया है। इसे एक बॉईल आने दीजिए, इसमें नमक मिर्च टेस्ट कर लीजिए, बहुत स्वाद है। मैं ज़्यादा नमक नहीं डालूंगी क्योंकि इनको ज़्यादा सॉल्टी खाना पसंद नहीं है, नमक परफेक्ट है, मिर्ची चाहे आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं। मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डालूँ, ज़्यादा ही ना हो जाए, छोड़ देती हूँ।
जैसे ही इसमें उबाला आ जाए पानी में हम डालेंगे चावल जो हमने भिगो के रखा था, ज़्यादा देर नहीं, 10 से 15 मिनट के लिए भिगोए हैं ये सारे चावल, हम इसमें डाल देंगे। चावल को अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए और अब जैसे उबाला आ रहा है हम गैस को थोड़ा स्लो कर देंगे और इसके ऊपर मैंने ये जो टमाटर काटा है गोल गोल, ना ज़्यादा पतला ना मोटा, इसके ऊपर आप ऐसे रख दीजिए। इधर ऐसे दिखाएंगे आप, थैंक यू। ये सारा टमाटर मैंने इसके ऊपर आप ऐसे ही रख दीजिए एज इट इज। और साथ में मैंने यहाँ पे न्याज भोज के पत्ते भी धो के रख लिए, वो भी मैं इसके साथ डालूंगी। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया आता है, खूब सारे डालिए इसमें, जिसे हम बेजिल लीफ भी कहते हैं, नहीं कई लोग सेज भी कहते हैं। अच्छा कोई नहीं, अब इसको हम तो वैसे अगर आप किसी अपने माली से पूछ लीजिए, हम तो न्याज भोज के पत्ते बहुत टाइम से बोलते आ रहे हैं, न्याज भोज के पत्ते जैसे सेज सेज कहते हैं। ओके, तो ये सारा इससे आप कवर कर दीजिए। गैस मैंने अभी स्लो पे ही रखी हुई है क्योंकि जब चावल को हम सिम पे पकाएंगे, बेजिल लीफ रखने के बाद जिसे हम सेज, क्योंकि बेजल लीफ की बहुत सारी वैरायटीज होती हैं। अच्छा चलो जी, सेज न्याज पौधे पत्ते, इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ लेमन। वैसे हमने विनेगर डाला था लेकिन जो लेमन का अपना फ्लेवर होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है, तो इसके साथ में मैं डाल रही हूँ एक नींबू का रस। और अब हम इसको, हमें हिलाने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम रख देंगे ढक के और चावल को रख देंगे पकने के लिए कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए सिम पर। अब हम इसे एक बार खोल के देख लेंगे। हाँ हाँ हाँ, मम्मी जी खुशबू आई है आपको? खुशबू क्या, शक्ल खुशबू सब कुछ ही बहुत अच्छा है इसका। अब हम इसको एक बार मिक्स कर लेंगे, चावल देख लेंगे बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है। उसको अब हम कर देंगे थोड़ा बंद और गैस को कर देंगे बंद और इसको 2 मिनट के लिए ऐसे ही सिम पे ढके रहने देंगे। तो सिम पे नहीं, गैस बंद कर दी हमने। तो देखो जी, खुशबू क्या आई, मम्मी जी भी आ गए, खुशबू सुन के मम्मी जी भी आ गए। तो जो हमने गैस कर दिया बंद, लेकिन चावल को हम 2 मिनट के लिए ऐसे ही ढक के रखे रहने देंगे ताकि उसके सारे फ्लेवर्स जो हैं वो चावल में और अच्छी तरह आ जाए। बारी है इसी इसकी प्लेटिंग करने की और टेस्ट करने की। हाँ जी, कर जल्दी कर दो। क्या बात है, क्या बात है, क्या शक्ल है यार। मैं एक चम्मच लेना बस, एक चम्मच बस, सिर्फ एक चम्मच। लो माता जी, बस तुसी एक चम्मच लो अपना। ये क्या, दिस स्मेल्स गुड यार। खुशबू आ रही है दादा जी, बढ़िया, जबरदस्त जी, जबरदस्त। आई थिंक थैंक्स टू इंस्टाग्राम। यार ऐसे मत कहो, मैं हर बार यार बढ़िया। नहीं आप बनाते हो, मैं देखो जी मना नहीं कर रहा हूँ, मैंने पहले भी बोला है मेरे लिए थोड़ा रख दियो, कोई और सब्जी कोई और किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये बाउल मैं आपको एज इट इज, आई मीन दोबारा फिल करके। ज्यादा पापा नहीं खाएंगे ना, पापा को थोड़ी स्पाइसी लगते हैं, ज्यादा इतना नहीं चाहिए। तो मम्मी जी और राजा जी कर रहे हैं एंजॉय, आप लोग भी बनाएं खाएं, झटपट बनने वाले। देखा जी, झटपट बनने वाली ये रेसिपी है, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, सब कुछ इकट्ठे डाले ढक के रख दे और देखे सासू और पति देव दोनों खुश हो जाएंगे। तो बनाए खाए और एंजॉय कीजिए।